बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बहुमत प्राप्त होने के बाद सभी की निगाहें अगली सरकार के गठन पर टिकी है। अब ऐसे में संभावना है कि दीपावली के बाद अगले सप्ताह नई सरकार का गठन हो सकता है। तो जानकार सूत्रों के मुताबिक बुधवार को ये जानकारी दी और कहा गया है कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने की राह पर बढ़ते हुए नीतीश कुमार अगले सप्ताह सोमवार 16 नवंबर या उसके बाद शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर के अंत में वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के मद्देनजर वो राज्यपाल को इस्तीफा भेज सकते हैं और बिहार में अभी तक सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड श्री कृष्ण सिंह के नाम पर है, जो इस पद पर 17 वर्ष 52 दिन तक रहे थे। नीतीश कुमार इस पद पर अभी तक 14 वर्ष 82 दिन रह चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का नाम पिछले 2 दशकों में 7 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की विशिष्ट श्रेणी में आ जाएगा। मैं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सबसे पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी विधायकों का समर्थन नहीं मिलने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। साल 2005 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन को देखते हुए नैतिक आधार पर नीतीश ने मुख्यमंत्री पद त्याग दिया था। हालांकि 1 साल से भी कम वक्त में वह सत्ता में वापस लौटे। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।